सबसे अच्छी बात यह है कि इस माध्यम से जो आगरा की जनता है उसको हमारे जो बंदी हैं जो यहाँ पे आजीवन सजा काट रहे हैं उनके हुनर के बारे में पता चलेगा। जो हमारे आजीवन सजा काट रहे बंदी हैं उन्हीं ने ही ये सारी जन्माष्टमी जो है सजाई है, जितनी भी झांकियाँ उन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं। इसमें सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा श्री संजीव त्रिपाठी जी को, DIG आगरा जोन जो है, क्योंकि उनके प्रयास से ही ये संभव हो। तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था, जेल का मुख्य त्यौहार है ये, और जन्माष्टमी वर्षों से जो है जेलों में मनाई जा रही है, लेकिन बाहर के लोगों को जनरली जेल में झांकी देखने के लिए अलाउड नहीं रहता है। इस बार हम लोग बाहर के लोगों को भी अलाउ कर रहे हैं, जिससे वो देख सकें कि बंदियों ने कितना मेहनत करके झांकी बनाई। ये मतलब अपने इंडिविजुअल प्रयास के ऊपर है। मैं बनारस में था तो वहाँ भी ऐसा काम करता था कि जनरल पब्लिक को बुलाता था, जिससे वो बंदियों के द्वारा सजाई गई झांसी का झांकी का वो आनंद ले सकें। फिर बंदियों को भी सेटिस्फैक्शन होता है कि बाहर के लोग देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई और लोगों ने उसको सराहा। इस दौरान सर सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी आपको अलग तैयारी करनी पड़ी होगी? इसके लिए हम लोग 3-4 दिन से तैयारी कर रहे हैं, और चप्पे चप्पे पर हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, वो तो हमारा मुख्य दायित्व है। ठीक।